आपसी विवाद के कारण मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती दिखाई दे रही है। जी हां, राम मंदिर के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी आपसी विवाद के कारण मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में शामिल होने के लिए दो फंड हुए निर्मोही अखाड़ा सामने खड़ा हो गया है। निर्मोही अखाड़ा का ट्रस्ट में शामिल किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्मोही अखाड़ा में नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय श्री पंच रामदनीय निर्मोही अखाड़ा के पंचों द्वारा ट्रस्ट में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं अब अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा भी अपना दावा लेकर सरकार के सामने खड़ी है। निर्मोही अनी अखाड़ा ने ट्रस्ट में शामिल होने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी भेज दिया है। अयोध्या पहुंचे जगन्नाथ मंदिर में जमालपुर अहमदाबाद गुजरात के श्री महंत व अखिल भारतीय श्री मंच निर्मोही अनी अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि निर्माण के लिए सरकार को 3 माह के भीतर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को शामिल करने का भी आदेश दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अखिल भारतीय पंच निर्मोही अन्य अखाड़े के पदेन अध्यक्ष को ट्रस्ट में उचित भूमिका प्रदान की जाए। इनके अनुसार पंचायती व्यवस्था के तहत चलने वाला निर्मोही अखाड़ा 9 अखाड़ों का समूह है। अखिल भारतीय श्री पंच हरिवासी महानिर्माणी निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच रामदनी निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच रामदनी रामनंदी संतोषी निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच रामनंदी अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच मालाधारी निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच राम भल्बी निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय श्री पंच हर व्यासी संतोषी निर्मोही अखाड़ा मिलकर इस न्यास के रूप में काम करते हैं और यह न्यास भारत में सरकार में पंजीकृत है। उनका कहना है कि न्यास की व्यवस्था के अनुसार ही निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वर्ष 2016 में उज्जैन में आयोजित की बैठक में राम जन्मभूमि मुकदमे को लेकर खर्चे में प्रस्ताव को उन्हीं की अध्यक्षता में स्वीकृति भुगतान के लिए जवाबदेह है। देश से अलग अलग हिस्सों में हर 12 साल पर आयोजित होने वाले कुंभ और हर 6 साल पर आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ में व्यास को संत धर्माचार्य तथा सरकार की मान्यता मिली हुई है। अयोध्या से हमारे संवाददाता तुमैल अहमद की रिपोर्ट। माता की जय। और जो उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला हुआ बहुत ही प्रशंसनीय है और साथों साथ भारत सरकार जो वर्तमान कार्य कर रही है वो भी जितना कम प्रशंसा करे उतना है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का जो है आंख का तारा बना हुआ था और चिंता का विषय बना हुआ था और हम सबको बहुत अच्छा जो है उसका रिस्पांस मिला है। तो मैं आप सबके माध्यम इसके लिए बुलाए हैं कि निर्मोही मतलब एक अखाड़ा, निर्मोही मतलब एक दल, निर्मोही एक पंचायती व्यवस्था, निर्मोही में हजारों लाखों के तादाद में साधु हैं जो ऑल इंडिया स्तर पे हैं और उसमें एक अपनी पंचायती व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था में जो है कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी में भी जो है जो पदेन महंत हैं, तो भारत के अंदर 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में एक निर्मोही अखाड़ा है और निर्मोही अखाड़ा भी उसमें 2 पदेन नाम है जो ऑल इंडिया स्तर पे काम करते हैं। जैसे कि भारत में 4 कुंभ मेला लगते हैं तो वही पदेन महंत जो है उसका संचार करते हैं। 9 अखाड़े जिसको डिसाइड करेंगे वो संत, वो महात्मा और वो पदेन साधु आगे का कार्य करता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि निर्मोही एक पंचायती व्यवस्था है। निर्मोही मतलब 9 अखाड़े, निर्मोही अन्य अखाड़ा मतलब एक समूह, एक दो व्यक्ति नहीं, 2-4 साधु नहीं, एक दल, एक समूह। और जो ट्रस्ट सरकार का बनेगा, जो घोषणा की गई है, वो ट्रस्ट में पदेन महंत हो, पदेन व्यक्ति हो, पंच का बनाया हुआ हो, किसी का परिवारवाद न लगे, साधुवाद रहे, अखाड़ा और समाज की परंपरा व्यवस्था चलती रहे, उसके लिए मैं जो है ये आप सबके बीच में आया हूँ। जय श्री राम। क्या इस बारे में आप प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? जी, हमने इस विषय में जो है हम आपको जो है ये पत्र दिए हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जो गृह सचिव हैं उनको और उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी को और मुख्य सचिव को भी हमने लेटर दिया है जो हमारे पास प्रमाण है और सबसे यही उम्मीद है कि इस पे जो है तुरंत निर्णय लेंगे। क्या नाम है? मैं श्री महंत राजेंद्र दास, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही।